विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यं निरान्तरगतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्भूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधदर्शने स्वात्मानमेवाद्वयम् गुरुमूर्तये नमोऽहं श्रीदक्षिणामूर्तये ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सहैर्विश्वेरावहि दशकोर्धम प्राक् शरीरस्य विस्रसः ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथा सुपरिव ददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके इंद्रियाणां पृथक भावं उदयास्तमयौतिगत पृथक उत्पद्यमानानां मत्वा धीरो न शोचति। सुनाया था कि जहां तक इस जीवन और जगत का प्रश्न है, मनुष्य का ज्ञान ही उसका नियंता है। हम विष नहीं पीते, पर डायबिटीज का रोगी हो जानता हो कि शक्कर हानिकारक है। तो कहेगा भाई शक्कर नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे शरीर की हानि होती है। परंतु कोई बहुत आग्रह करे है तो थोड़ा खा लेगा। तो यहां ज्ञान क्यों झुक जाता है? इसलिए यहां ज्ञान एकात्मक नहीं है, द्वंद्वात्मक है। शक्कर खाने में मजा है, सब लोग शक्कर खाते हैं, हम भी खाते थे तो अच्छा लगता था। ज्ञान का एक रूप ही है। और एक डॉक्टरों ने वैद्यों ने जो बताया और शक्कर खाने से जो अपने जीवन में रोग बढ़ा हानि हुई उसका भी ज्ञान है। तो ज्ञान द्वंद्वात्मक है। तो ये जानते हुए भी कि शक्कर खाना हानिकारक है क्योंकि शक्कर में स्वाद है, शक्कर का अभ्यास है, शक्कर खाने का संस्कार है, वहां एक संस्कार दूसरे संस्कार पर विजयी हो जाता है, या तो मना कर देंगे और या तो खा लेंगे। लेकिन जहां संस्कार एकात्मक है ज्ञान का, विष खाने से तो मर ही जाते हैं, वहां कोई कितना भी आग्रह करे, चरौरी विनती करे, हाथ पांव जोड़े, जार नहीं खाएंगे। अच्छा, ये हाथ कैसे उठता है? क्या उठाना चाहिए? बोला ज्ञान ही हाथ को उठाता है। ये जीव को कौन हिलाता है? इच्छा से युक्त ज्ञान ही जीव को हिलाता है। तो इसका अभिप्राय ये हुआ कि व्यष्टि में जो काम हो रहा है वो संकल्प से युक्त ज्ञान के द्वारा हो रहा है, इच्छा से युक्त, संस्कार से युक्त ज्ञान के द्वारा हो रहा है। और ऐसे ही समष्टि में जो कर्म हो रहा है ना, वो भी संस्कार से युक्त ज्ञान के द्वारा ही हो रहा है। परंतु व्यष्टि वाला तो इस संस्कार युक्त ज्ञान में बंध गया है, अपने को मान बैठा है कि मैं ये संस्कार युक्त ज्ञान वाला ही हूं। पर समष्टि वाला जो है ना, उसमें अहंकार नहीं है। इसलिए संकल्प युक्त ज्ञान के द्वारा संपूर्ण जगत का नियंता होकर के भी वहां ज्ञान नियंतापने के अभिमान से युक्त नहीं है। परंतु ये अल्पपना और ये सर्वपना दोनों ज्ञान में प्रतिभास मात्र हैं। न ये अल्प है न वो सर्व है।
अल्प और सर्व की कल्पना का नियंता भी ज्ञान ही है। इसका अर्थ हुआ कि ज्ञान अधिष्ठान है, ज्ञान स्वयं प्रकाश है और उसमें व्यष्टि और समष्टि की, सर्व और अल्प की ये जो कल्पनाएं हैं ये सारी की सारी प्रतिभास मात्र हैं। तो जब हम ये कहते हैं कि श्रद्धा से ईश्वर मिलता है, जब हम ये कहते हैं कि श्रद्धा से स्वर्ग है, जब ये कहते हैं कि श्रद्धा से वैकुंठ है, जब ये कहते हैं कि श्रद्धा से योगाभ्यास करने पर समाधि लगती है, जब ये कहते हैं श्रद्धा से उपासना करने पर ईश्वर मिलता है, जब ये कहते हैं कि कर्म करने पर धर्म संपन्न होता है, जब ये कहते हैं कि श्रद्धा पूर्वक वेद का स्वाध्याय करने से उसके अर्थ का अधिगम होता है, तब हम कह रहे हैं कि मैं हूं ये जानने के लिए सिर्फ श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है और मेरे सिवाय किसी भी दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करो बिना आंखों की आवश्यकता है। मैं जानता हूं ये अनुभव करने के लिए श्रद्धा नहीं है, परंतु मैं जानता हूं कि सिवाय दूसरा कोई जानता है या ईश्वर जानता है ये जानने के लिए श्रद्धा की आवश्यकता है। और तब हम ये कहते हैं कि अपनी जो ब्रह्म स्वरूपता है ये तो अनुभव सिद्ध है, ये तो साक्षात अपरोक्ष है, ये तो तत्व है और इसके सिवाय दूसरा जो कुछ है सो सब श्रद्धा सिद्ध है। तो डरना नहीं चाहिए, अगर कोई कहे कि वेद श्रद्धा है, स्वर्ग श्रद्धा है, धर्म श्रद्धा है, ईश्वर श्रद्धा है, डरना नहीं। श्रद्धा करना कोई पाप तो है नहीं, श्रद्धा करने से कोई पाप नहीं लगता हो, संशय करने से पाप लगता है, श्रद्धा करने से पाप नहीं लगता। संशयात्मा विनश्यति, संशयात्मा का विनाश होता है, श्रद्धात्मा का विनाश नहीं होता है। ना हम लोग होस्ति न परो न सुखम संशयात्मना। और इधर श्रद्धा साधन है, श्रद्धा तत्व नहीं है, श्रद्धा साधन है। श्रद्धा से जो उपलब्ध होता है वो किसी देश में होता है, श्रद्धा से जो उपलब्ध होता है वो किसी काल में होता है, श्रद्धा से जो उपलब्ध होता है वो किसी वस्तु के रूप में होता है। क्या तुम किसी वस्तु के रूप में किसी स्थान में और किसी समय में मिलने वाली चीज को बिल्कुल नहीं चाहते? बहुत बढ़िया, तब तो तुम्हारा स्वराज्य है, तुम परम स्वतंत्र हो। तो अपना स्वरूप जो है, अपना स्वरूप जो है उसको भी जानने के पूर्व इसके जानने से मोक्ष होगा, है ना? इसको वेद से जानेंगे, इसको महात्मा से जानेंगे, इसको विचार करके जानेंगे, ये जानने के पहले सब श्रद्धा ही है। तो एक ब्रह्म ज्ञान के सिवाय और सब श्रद्धा है, और श्रद्धा जीवन में उपयोगी है ना? हाँ, वो जीवन में उपयोगी है। श्रद्धा कहने से डरना नहीं। अब आपको ये बात सुनाते हैं, ये जो हमारे जीवन में दुख है सुख है ये मान्यता नहीं है, ये भ्रांति है। जैसे कोई कहे कि हम पुनर्जन्म नहीं मानते, ये तो एक हिंदुओं की मान्यता है, हमारी मान्यता नहीं है। तो यदि मान्यता से बंधन होता तो मान्यता छोड़ देने पर बंधन भी छूट जाता, ये तो अज्ञान से बंधन है। अपने स्वरूप के अज्ञान से बंधन होना दूसरी चीज है और मान्यता से बंधन होना दूसरी चीज है। तो अपने स्वरूप का जब अज्ञान मिटेगा जब मान्यता मिटेगी, नहीं तो एक मान्यता छोड़ोगे दूसरी मान्यता पकड़ लोगे। तो मान्यता को क्रम क्रम से पकड़ाने की भी जरूरत होती है। क्या पैदा होता है, क्या उसको मालूम है कि मैं मनुष्य हूं? मेरा नाम भाषा में मनुष्य है, ये बात क्या उस बच्चे को मालूम है? तुमने कहा कि बेटा तुम मनुष्य हो,
पशु नहीं है, पशु से व्यावृत्त करने के लिए उसको मनुष्य बताया गया। क्यों बताया गया मनुष्य? पशु से अलग करने के लिए, माने उसको एक गुरु दिया गया, एक गुरु दिया गया उसको। हो क्या गुरु दिया गया? कि जब तुम्हें कोई आचरण करना हो, वृत्त विचिकित्सा स्यात्, जब तुम्हें हमको कैसे काम करना चाहिए, हाथ और पांव दोनों से चलना चाहिए कि सिर्फ पांव से ही चलना चाहिए? तो बोले तुमको सिर्फ पांव से ही चलना चाहिए। क्यों? कि तुम मनुष्य हो, पशु नहीं हो। पशु न होने का क्या फायदा हुआ, है ना, पशु से अलग करने का? अगर वो बच्चा पशुओं में ही रहता तो जैसे भेड़ के बच्चे, गधे के बच्चे, गाय के बच्चे, घोड़े के बच्चे जैसे हाथ पांव दोनों से चलते हैं, वैसे उनसे सीख करके वो वैसे ही चलता, ऐसा बच्चों में देखने में आया है। तो प्राणियों से, पशुओं से, पक्षियों से अलग बताने के लिए उसको बताया गया एक सामान्य, देख तेरे अंदर विशेषता है, हाथ है दो तेरे पास, तू पशु नहीं है, मनुष्य है, दस दस अंगुलियां हैं तेरे पास, कोई तू एक खुर वाला या दो खुर वाला नहीं है, हैं? घोड़े के, है ना, घोड़े के एक खुर होता है और गाय के दो खुर होते हैं, हो एक पांव में, एक पांव में घोड़े के एक खुर होता है, एक सप जंतु है, और गाय के दो खुर होती है, भैंस के दो खुर होती है, एक सप जंतु है। तो नाल लगाई जाती है ना, तो बैलों को भी नाल लगवाते हैं और घोड़ों को भी नाल लगवाते हैं। शहर के लोगों को क्या मालूम, जल्दी पता ही ना लगे उनको कि घोड़े के और गाय के खुर में क्या फर्क होता है, ये तो ध्यान। अच्छा, तो देखो तुम मनुष्य हो, ये बात ठीक है, मनुष्य में और आचरण को व्यावृत करना, तुम्हारा आचरण हिंदू की तरह होना चाहिए। एक और हजारों और जितने परिवर्तन और प्रवर्तन हैं वो इसमें बिना हुए भाग रहे हैं, प्रतीति मात्र हैं, प्रतीति मात्र है, बिल्कुल प्रतीति मात्र है। तो यदि अपने को ऐसा जान लो तब तो तुम कर्म से छूट गए, भोग से छूट गए, बंधन दुख से छूट गए, सुख से छूट गए, बंधन से छूट गए, है ना। अविद्या ही बंधन है और बंधन ही दुख है, ये आप निश्चय कर लो। अपने आप को न जानना ही बंध है और बंध ही सबसे बड़ा दुख है। तो यदि अपने को नहीं जानोगे तो अपने को बद्ध समझोगे, चाहे प्रकृति में, चाहे देश में, चाहे काल में, चाहे वस्तु में, और जब अपने को बद्ध समझोगे तो अपने को दुखी भी अनुभव करोगे, क्योंकि जो बद्ध होगा वो तो बेबस होगा ना, विवश होगा, विवश, जो बद्ध होगा वो विवश होगा, मजबूर होगा, है ना, और जो मजबूर है, विवश है, उसको उसको सुख कहाँ है? मजबूर को, विवश को कहीं सुख नहीं है। लेके डंडा खड़ा है आदमी, करो नहीं तो मार डालेंगे, प्रकृति कहती है कि कर्म करो नहीं तो मारेंगे, प्रकृति कहती है कि भूख भोग करो नहीं तो मारेंगे, वो चाहने पर भी भोग न छोड़ सके, चाहने पर भी कर्म न छोड़ सके, माने कर्तापन भोक्तापन बिल्कुल स्वाभाविक हो जाए। तो जो बंध होगा, जहां बंधन होगा वहां दुख होगा, और बंधन कहां होगा, जहां अपने स्वरूप का अज्ञान होगा। तो इसलिए देखो बात ये निकले कि जो अपने को पूर्ण न जान करके अणु जानता है और संस्कारवान अणु जानता है, वो संस्कार की गतिविधि के साथ अपने को मिला देगा और विवश हो जाएगा, इसी का नाम बंधन है। अच्छा, और जहां तक अणु होगा वहां तक गति जरूर होगी, अणु में भार हो, यदि कर्म का भार हो तो नीचे जाएगा, थोड़ा कर्म हल्का हो तो ऊपर जाएगा, सिद्ध शिला तक जाएगा, अलोक आकाश तक जाएगा, नारायण, लेकिन जाना पड़ेगा। और यदि ये कहें कि अणु कहीं गए बिना जहां है वहीं बदल रहा है, तो बदल रहा है तो काल में मर रहा है, मरता जा रहा है, और अगर नहीं बदल रहा है तो साक्षी है, दृष्टा है, तब तो बदलना काल और फैलना देश है और अन्य रूप से होना वस्तु, तीनों का साक्षी होकर तीनों से अपरिच्छिन्न है, साक्षात ब्रह्म है। अच्छा, तो यदि जीव को कहीं जाना हो तो कौन ले जाएगा उसको?
बोले वासना ही उसका पथ प्रदर्शन करेगी। एक ने कहा कि हमारी ये मान्यता है कि हम कहीं आते जाते नहीं। उससे थोड़ी देर के बाद पूछा, क्यों भाई तुम्हारे मन में अमेरिका देखने की इच्छा कभी होती है? हाँ होती तो है। चलो तुम अपने को अणु नहीं मानते, पुनर्जन्म वाला नहीं मानते, जाने आने वाला नहीं मानते, परंतु अमेरिका देखने की इच्छा होती है। अगर जाने आने वाला नहीं मानते तो अमेरिका देखने की इच्छा तुमको क्यों होती है? अच्छा हम 10 बरस 20 बरस 100 बरस जिंदा रहें, ये तुम्हारे मन में इच्छा होती है कि नहीं है? होती तो है। तो जब तुम आगे रहने की इच्छा रखते हो तो तुम काल पर विजय कैसे प्राप्त कर सकोगे? और यदि तुम कहीं जाने की इच्छा रखते हो तो देश पर विजय कैसे प्राप्त कर सकोगे? हैं? और यदि तुम अपनी जवानी बनाए, अच्छा ये ख्याल है तुम्हारा कि हमारी जवानी बनी रहे, लठिया लेके हाथ में न चलना पड़े, चश्मा न लगाना पड़े, दूसरे का सहारा न लेना पड़े, जवानी बनाए रखना चाहते हो कि नहीं? तो जब ये इच्छा है तुम्हारे अंदर न रहे हैं। देखो जवानी बनाए रखने की इच्छा तो देवता होने की इच्छा है, हो यही तो स्वर्ग की इच्छा हुई ना, देवता होने की, जवानी बनी रहे देवता होने की इच्छा हो, है ना? और जहां बढ़िया बढ़िया पार्क होए और बढ़िया बढ़िया अप्सरा होए और बढ़िया बढ़िया विमान होए और बढ़िया बढ़िया भवन होए, वो देखने की इच्छा हुई तो स्वर्ग देखने की इच्छा हुई कि नहीं? अरे अमेरिका, पेरिस, स्विट्जरलैंड सब मिला के हमेशा रहने वाली एक चीज की कल्पना कर दो, बोला उसका नाम स्वर्ग हो गया। तो ये देखो जब तुम स्वर्ग चाहते हो, जवानी बनाए रखना चाहते हो, तो तुम अपने संस्कार से मुक्त कहां होते हो? बोले हम अपनी पूर्णता को जानते हैं। पूर्णता को जानते हो लेकिन फिर हमको ये भोग मिले, हमको ये भोग मिले, हमको ये भोग मिले, ऐसा चाहते हो कि नहीं? कभी तुम्हारी पूर्णता कहाँ है? जब पानी के बिना तुम मर रहे हो, अन्न के बिना तुम मर रहे हो, हैं? गाली दे दे कर तुम दुखी हो रहे हो, अपमान सह के तुम दुखी हो रहे हो, तो तुम्हारी पूर्णता कहाँ है? बोले कि ठीक है तो हम अपने शरीर को ऐसे ही बनाते हैं, क्या कि इसको पानी की जरूरत न रहे, योगाभ्यास करेंगे, अन्न की जरूरत न रहे, हैं? ऐसा शांत बना लेंगे कि गाली देने पर भी दुख न होए। कब भले मानुष, जब तक तुम अपने को शरीर मानोगे तब तक शरीर भूख प्यास से रहित नहीं होगा, तब तक ये हमेशा जिंदा नहीं रहेगा, मरेगा, ये तो इसका स्वभाव है। तो इस शरीर में जो मैं बैठा हुआ है, इस शरीर में जो मैं की मान्यता है, वो अज्ञान से है। बोला अपने स्वरूप को न जानने के कारण ही हम अपने को मानते हैं परिच्छिन्न, तब सोचते हैं कि कश्मीर जाएं कि स्विट्जरलैंड जाएं, हैं? अमेरिका जाएं कि पेरिस जाएं, फ्रांस जाएं कि अमेरिका जाएं। तो ये बात क्यों है? अपने को देह मानने के कारण, संकल्पवान मानने के कारण। माने तुम अपने को परिच्छिन्न मानते हो। क्यों मानते हो परिच्छिन्न? का अपने को अपरिच्छिन्न पूर्ण अद्वय नहीं जानते हो। देखो इसका क्या अनर्थ है, अनर्थ इससे देखो। एक घटाकाश रो रहा था, क्या है कि हमारे अंदर शराब रखी गई, हाय हाय मैं गंदा हो गया। और एक घटाकाश हंस रहा था कि हमारे अंदर गंगा जल रख गया, मैं पवित्र। अब ये दोनों घटाकाश, जो शराब रखने से रो रहा है और गंगा जल रखने से हंस रहा है, वो दोनों अपने को घड़े की दीवार में बंधा हुआ समझते हैं, यही ना? माने वो अपने को आकाश की विशालता से अज्ञ रख रहे हैं, अपनी विशालता को वो नहीं जानते हैं। उनके किस हिस्से में वो घटाकाश है जिसमें शराब है, उनके किस हिस्से में वो घटाकाश है जिसमें गंगा जल है? अच्छा भाई कहोगे कि किसी हिस्से में तो है, एक दाग शरीर में कहीं भी लग जाए तो असह्य हो जाती है,
यदि महाकाश के किसी भी घटाकाश रूप अंश में शराब का दाग लग गया तो अशुद्ध हो गया। हम कहते हैं तुम आकाश की विशालता तो जानते हो बाबू, हे घटाकाश तुमको ये तो मालूम है कि मैं बड़ा विशाल हूं, परंतु तुमको ये मालूम नहीं है कि मैं सूक्ष्म कितना हूं। आकाश इतना सूक्ष्म है कि उसमें हवा हवा का स्पर्श नहीं है, बोला हवा उसमें कभी घूमती है और कभी बैठती है। न आकाश को शराब छू सकती है न गंगा जल छू सकता है, इतना सूक्ष्म, इतना सूक्ष्म। स्वयं चैतन्य, स्वयं प्रकाश, सर्वाउदासक है। केवल विशालता की दृष्टि से तो तुच्छ अंश में शराब है और तुच्छ अंश में गंगा जल है, लेकिन सूक्ष्मता की दृष्टि से न शराब से उसमें गंदगी आई और न गंगा जल से पवित्रता आई, क्योंकि ये दोनों तो अत्यंत स्थूल रूप हैं। सूक्ष्म जो आकाश है, अब देखो अनर्थ क्या प्राप्त हुआ कि जब घड़ा चले तो घटाकाश कहेगा हम चल रहे हैं, जब घड़ा फूटे तो कहेगा हम फूट गए हैं, ये बात क्यों हुई? आकाश ने अपनी सूक्ष्मता को नहीं जाना, अपनी विशालता को नहीं जाना। अब एक बात और बताते हैं कि जिसको वो दीवार मान करके अपने बंधन का हेतु समझता है ना, जिस घड़े को, वो आकाश में वायु कल्पित हुआ, वायु में अग्नि कल्पित हुआ, अग्नि में जल कल्पित हुआ, जल में पृथ्वी कल्पित हुई और पृथ्वी में घड़ा कल्पित हुआ है। आकाश अपने में कल्पित घड़ा के द्वारा अपने को आबद्ध समझ रहा है और अपने में कल्पित शराब के द्वारा गंदा समझ रहा है और अपने में कल्पित गंगा जल से पवित्र समझ रहा है, और घड़े के आने जाने को अपना आना जाना समझ रहा है। ये सब क्यों हुआ? आकाश ने अपना वो स्वरूप, आकाश तो अध्यस्त है, जिस परब्रह्म परमात्मा में अध्यस्त है आकाश, जिसमें देश नहीं, आना जाना नहीं, जिसमें बाहर भीतर नहीं, जिसमें काल नहीं, मरना जीना नहीं, और जिसमें वस्तु नहीं, घड़े का बनना और फूटना नहीं, जिसमें शराब नहीं और गंगा जल नहीं, ऐसे अपने को अनंत अखंड ब्रह्म तत्व के रूप में आकाश ने नहीं जाना। इस अज्ञान का फल क्या हुआ? बोले तथा स्वर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। ये जो जीवाकाश है, चिदाकाश हो, चिदाकाश, ये चिदाकाश जब अपने को सर्वाधिक विशाल, विशाल अतिशय, अतिशय विशाल, देश से अपरिच्छिन्न और नित्य, काल से अपरिच्छिन्न सत्य और सर्व वस्तु का विवर्ती उपादान, जब इस चिदाकाश ने अपने को नहीं जाना और देह की उपाधि से भीतर मैं बन करके बैठ गया, तो इसका पाप हो गया, इसका पुण्य हो गया, इसका आना जाना हो गया, इसकी गंदगी हो गई, इसकी पवित्रता हो गई, हैं? ये कभी स्वर्ग की कल्पना करेगा, जाना चाहेगा, कभी नरक से बचना चाहेगा, कभी दुख कभी सुख, है ना, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी मरना कभी जीना, कभी बनना कभी बिगड़ना, ये सारी आपत्ति विपत्ति क्यों पड़ी? का अपने आप को न जानने के कारण। तो भाई मेरे, इसी जीवन में, इसी शरीर में यदि तुमने समझ लिया कि मैं अद्वैय ब्रह्म हूं, तो वो जो संकल्प और चेतन का जो मिश्रण है ना, और संकल्प को अलग समझ के मिश्रण है, संकल्प कोई दूसरी चीज है, मेरे साथ मिल गई है ना, और जहां जहां संकल्प जाता है उस संकल्प के पेट में बैठ के मैं जाता हूं, संकल्प बिंदु के रूप में अपने आप को मान लेना। ये जीव क्या है? संकल्प बिंदु है वो, संस्कार, संस्कार विशिष्ट चेतन बिंदु का नाम जीव है और संस्कार विशिष्ट जड़ बिंदु का नाम बीज है। अंगूर बन गया, आम बन गया, खाया जाता है, बोया जाता है, अंकुर होता है, सूखता है, हरा होता है, है ना, उसकी परंपरा चलती है। ये क्यों होता है? संस्कार युक्त होने से जड़ को और संस्कार युक्त होने से चेतन को, संस्कार युक्त चेतन बिंदु का नाम जीव है, परंतु चेतन तो बिंदु होता ही नहीं। ये जो संस्कार की उपाधि से
सूक्ष्म शरीर की उपाधि से, संस्कार माने सूक्ष्म शरीर हो, है ना, सूक्ष्म शरीर की उपाधि से जो अपने आप को, वेदांत विद्या क्या बताती है कि संस्कार शरीरोपाधिक, सूक्ष्म शरीरोपाधिक, लिंग शरीरोपाधिक जो चैतन्य है वो केवल दृष्टा नहीं है, वो केवल स्वयं प्रकाश नहीं है, वो केवल मैं हूं, मैं जानता हूं, मैं आनंद हूं, इतना ही नहीं है। वेदांत विद्या बताती है कि वो अद्वय, अविनाशी, परिपूर्ण, अनंत, चिन्ह मात्र ब्रह्म है। वो संकल्प बिंदु का साक्षी ही ब्रह्म है, माने उसके सिवाय दूसरी कोई वस्तु नहीं है। अब देखो, इस चिदाकाश में न मृत्यु है, न जन्म है, न आना है, न जाना है, न स्वर्ग है, न नरक है। लेकिन यदि इसको नहीं जानोगे तो क्या होगा? बोले सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। उसी संकल्प बिंदु में जितनी आकृतियां बनेंगी, पाप की, पुण्य की, सुख की, दुख की, राग की, द्वेष की, आने की, जाने की, नरक की, स्वर्ग की, उनके साथ अपने स्वरूप के अज्ञान के कारण तुम उनसे तादात्म्यापन्न हो करके उनको अपना, अपने मैं के साथ जोड़ते रहोगे। इसलिए इस जीवन में ज्ञान प्राप्त करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो शरीरत्वाय कल्पते, शरीर बनोगे। संस्कृत भाषा में शरीर माने होता है, जैसे जीर्ण शीर्ण बोलते हैं ना, जीर्ण शीर्ण है ना, ये जीर्ण शीर्ण हो गया। शीर्ज्यते यत् तत् शरीरम्। हाँ, जो सूखता है, जो नष्ट होता है, उसको शरीर कहते हैं। तो तुम शरीर, शरीरत्वाय कल्पते अर्थात नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त अजर अमर अज अद्वितीय अविनाशी परिपूर्ण ब्रह्म तुम शरीर बन जाओगे। शरीरत्वाय कल्पते, शरीर बन जाओगे, तब तुम्हारे ऊपर कुल्हाड़े पड़ेंगे, वो काल काटेगा एक ओर की मर जाओ, देश कैद करेगा एक ओर की एक कोने में पड़े रहो, वस्तुएं कहेंगी कि हमारे प्रेमी बनो, हमारे पराधीन बनो, वस्तुएं पराधीन बनावेंगी, काल काटेगा और देश कैद कर देगा। कब? जब तुम अपने को ब्रह्म नहीं जानोगे तब। शरीरत्वाय कल्पते, इसलिए अब ये कहो या वो बताओ, तरीका बताओ कि ब्रह्म शरीर कैसे हो जाता है। अरे इतनी देर तक ये सारी बातें बता रहे थे इसीलिए, पर इसका तात्पर्य इसमें नहीं है कि तुम अपने को जाने आने वाला मानकर बैठ जाओ। इसका तात्पर्य यह है कि अपने को ब्रह्म जानो, अपने को ब्रह्म जानो, इसी जीवन में जानो, नहीं तो क्या विनाश है, कि यही शरीर रह जाओगे, यही है ना, यही गंदगी तुम्हारे साथ लगी रह जाएगी, हड्डी मांस जा विष्ठा वस्त्र, यही गंदगी तुम्हारे साथ लगी रह जाएगी। कहीं अप्सरा के पीछे जा रहे, कहीं विमान पर दौड़ रहे हैं, और कहीं पार्क में जा रहे, यही दौड़ धूप जो है वो बंद नहीं होगी। यदि संकल्प में से अपने मैं को निकालकर विविक्त करके उसको ब्रह्म नहीं जान लोगे। तो बोले भाई, ब्रह्म को इसी जीवन में जाने कि मरने के बाद भी जान सकते हैं? जब मरने के बाद आत्मा रहती है, ये बात सिद्ध हो गई कि मरने के बाद भी आत्मा रहती है, तो अभी नहीं जानेंगे, और कहीं जान लेंगे। बोले कि देखो, बात यह है कि यदि सचमुच जानना चाहते हो, यदि किसी के पास बढ़िया चीज ले जाओ खाने के लिए और वो कहे कि अच्छा रख दो ढक के, फिर समय पर खा लेंगे, तो इसका मतलब हुआ कि उसकी भूख नहीं है। भूख जागृत हो, प्यास लग रही हो और पानी लावे कोई और पीने वाला कहे अभी घंटे भर बाद पियेंगे, रखो इसको, इसका मतलब हुआ प्यास नहीं है। तो इतनी अच्छी चीज की प्यास में कमी होना, भूख में कमी होना, ये जिज्ञासु पुरुष का लक्षण नहीं है। ये जब से बंबई आया तब से बात बंद हो गई हो, पहले ऐसे लोग आते थे, वो कहते कि महाराज हमको तो आत्मज्ञान कराओ। अब बोले भाई, अभी थोड़े दिन मंत्र का जप करो, थोड़ा ध्यान करो, है ना,
थोड़ा अंतकरण की शुद्धि होने दो। बोले कि महाराज कहीं ये जप करने में, ध्यान करने में, अंतकरण शुद्धि करने में मैं मर गया और इस जन्म में ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ तो क्या होगा? अरे भाई अगले जन्म में हो जाएगा। बोले हम अगले जन्म तक के लिए इस काम को रुक नहीं सकते, हमको तो अभी चाहिए। कहीं बीच में मर गए तो हमको तो अभी चाहिए। पर जब बंबई आया ना, सन 34-35 में आया, सन 34-35 में हो, 30-32 वर्ष के बाद, तो सत्संग भवन में सत्संग होने लगा दादी से ठगियारी लेन में। तो वहां बत्ता के सामने तो घड़ी लगी रहती थी ऐसे सामने, और श्रोताओं के पीछे पड़ती थी। तो जब 9 से 10 तक सत्संग होता, तो जब 10 बजने में कोई 5-7 मिनट बाकी रहता तो जितने श्रोता हैं वो उलट उलट के पीछे की ओर घड़ी देखने लगते। भाई यहाँ तो सत्संग में अगर विलंब हो जाएगा तो असली काम जो है ना, दुकान का, व्यापार का, ऑफिस का, वो बाकी रह जाएगा, है ना। कब हमारा जल्दी सत्संग कराओ, पूरा करो कि हम, है ना, ऑफिस में कहीं 5 मिनट लेट ना हो जाएं। तो अब देखो, जिज्ञासु तो हरिद्वार में, ऋषिकेश में, वृंदावन में ऐसे आते कि हमको जल्दी ज्ञान कराओ कि हम ब्रह्म ज्ञान में लेट ना हो जाएं, और यहाँ के जिज्ञासु ऐसे आते हैं कि हम दुकान के काम में लेट ना हो जाएं। तो दुकान के काम में लेट ना हो जाएं, तो दोनों में फर्क हुआ ना, यही फर्क है। कहते हैं कि जैसे सामने रख लो शीशा, जथा दर्शे तथा मनी, जैसे सामने रख लो शीशा और उसमें अपना शरीर दिखता है, ऐसे तुम सामने रख लो अपनी बुद्धि, उस बुद्धि में तुम दिखोगे, तुम्हारा प्रतिबिंब दिखेगा। क्योंकि वेदांत में एक ये नियम है कि जो देखने वाला होता है वो देखा नहीं जाता, जो करने वाला होता है वो किया नहीं जाता। इसको कर्त्री कर्म विरोध बोलते हैं। वो जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। ये तो हुई, मैंने न्याय का रूप हुआ ये, जो करता है वो कर्म नहीं हो सकता। माने जैसे हम बैठने वाले हैं तो हम चाहें कि अपने दोनों पांव घुमा के अपनी कमर अपने कंधे पर बैठ रख के बैठ जाएं, तो हम ही बैठने वाले और हम ही बैठे जाने वाले हैं। जो बैठेगा तो अपने ऊपर ही नहीं बैठेगा, जो करता होगा वो कर्म नहीं होगा, तो जो दृष्टा होगा वो दृश्य नहीं होगा। तब देखने का तरीका क्या है कि जैसे शीशे में अपने आप को देखते हैं, वैसे बुद्धि के शीशे में अपने आप को देख लें। जैसे शीशे में प्रतिबिंब को देख करके अपने शरीर के रूप के बारे में निश्चय करते हैं, वैसे बुद्धि के शीशे में देखकर अपने स्वरूप के बारे में निश्चय कर लें। ये तो बात आसान है। बोले ये बताओ महाराज कि ब्रह्म में, आत्मा में अज्ञान कहां से आया? बोले देखो, तुमको अज्ञान मालूम पड़ता हो तो मिटा लो, और ना मालूम पड़ता हो तो तुम्हारे मुंह में घी शक्कर है ना। अगर तुमको मालूम पड़ता हो कि हमें अपने अद्वितीय ब्रह्म का ज्ञान हमको नहीं है, तो आओ हम उपाय बताते हैं। अपनी बुद्धि में अपने दृष्टा स्वरूप को देखो, ये दृष्टा तो देश काल वस्तु सबका दृष्टा होने से, सबका प्रकाशक होने से, देश काल वस्तु इसमें अध्यस्त होने से, देश काल वस्तु का अधिष्ठान होने से ये अद्वय है, बिल्कुल देख लो। बोले नहीं, हमको तो यही बताओ कि ब्रह्म को अज्ञान कहां से हुआ? बोले ब्रह्म को अज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान तो तुमको हुआ, ब्रह्म को तो कभी अज्ञान हुआ ही नहीं। बोले अच्छा, तो मैं भी तो ब्रह्म ही हूं, तो मुझको अज्ञान कहां से हुआ? तो तुमको भी अज्ञान नहीं हुआ, अज्ञान तुम्हारी बुद्धि में हुआ। जब बुद्धि में तुमने अपने को ब्रह्म समझ लिया कि नहीं? यदि बुद्धि में तुमने अपने को अद्वितीय ब्रह्म समझ लिया तो अज्ञान मिट गया, और बुद्धि में तुमने अपने को, है ना, अपने को अद्वैत ब्रह्म नहीं समझा तो अज्ञान बना हुआ है।
बोले तुम अज्ञान का भूत पूछना चाहते हो कि अज्ञान का भूत क्या है, विगत, अज्ञान की विगत। तो वो विगत भी अज्ञान में से निकली है, भूत की कल्पना ही अज्ञान में से निकली है, भविष्य की कल्पना ही अज्ञान में से निकली है, अज्ञान की वर्तमानता ही अज्ञान में से निकली है, अज्ञान की दृष्टि से, अज्ञानी की दृष्टि से ही अज्ञान है, तत्व की दृष्टि से अथवा तत्वज्ञानी की दृष्टि से अज्ञान है ही नहीं। लो, तो यदि अपने आप को देखना हो तो जैसे शीशे में देखते हैं ना, वैसे अपनी बुद्धि में, अपनी बुद्धि में देखो। बोले कि नहीं, हम स्वर्गलोक में जाएंगे तब वहां देखेंगे। बोले तो यथा स्वप्ने, और पितरलोक तो ऐसा है जैसा स्वप्न दिखता है, स्वप्न दिखता है ऐसा ही पितरलोक है। स्वप्न में तो कोई वस्तु स्पष्टम स्पष्टम दिखती नहीं है, तो पितृलोक में भी नहीं दिखेगी, मरने के बाद ज्ञान नहीं होगा। बोले कि अच्छा, पितृलोक में नहीं दिखेगा तो गंधर्व लोक में दिख जाएगा। बोले गंधर्व लोक तो ऐसा है जैसे पानी में छाया दिखती है, यथा अप्सु परिददृशे इव तथा गंधर्व लोके। ये गंधर्व लोक में तो पितर लोक से ज्यादा सुख है, ज्यादा भोग है। जिसको दुख होता है वो संसार से जल्दी छूटना चाहता है, और जिसको ज्यादा आराम ज्यादा मजा मिलता है। देखो, हमने तो वैराग्य की बात करना कम कर दिया ना, पहले वैराग्य की कथा बहुत ज्यादा करते थे, और दिन रात वैराग्य की कथा करते थे। हमको एक सेठ ने कहा कि महाराज, ये हमारे बाल बच्चे जो हैं, ये कहीं वैराग्यवान हो जाएं, त्यागी हो जाएं, दुकान का काम धंधा छोड़ दें, है ना, तब तो अच्छा सत्संग हुआ, हमारा तो नाश ही हो जाएगा, आप हमारे बीच में, है ना, जरा वैराग्य की बात कम किया करें। तो सेठ की बात मान ली, सेठ की बात मान ली, इसलिए वैराग्य की बात नहीं करते हैं ज्यादा। बोला तो गंधर्व लोक में वैराग्य नहीं है, वहां तो है ना सुंदरी है, कसुरा है ना, वहां तो चांदनी है, वहां तो अपार्क, अपार्क माने अपगतः अर्कोजस्मात, जिसमें सूर्य की किरण न पहुंचे, ऐसे ऐसे उपवन, ऐसे उद्यान है गंधर्व लोक में, अपार्क, अकार का लोक होने से उसको पार्क बोलते हैं, ऐसे ऐसे विमान है वहां महाराज। तो अब वहां जब राग भोग में लग जाएंगे, दिन रात क्लब सिनेमा जब मिलेगा, आप देखो हमारे कई श्रोता ऐसे होंगे कि जब यहाँ क्रिकेट मैच होता है ना, तो उतने दिनों के लिए सत्संग में आना बंद करके धूप में बैठते हैं, हो धूप में छह छह घंटे बैठ के देखते हैं, हाँ धूप से नुकसान नहीं होता, और यहाँ अगर एक दिन पंखा ना हो तो बोले बड़ी तकलीफ है ना। तो ऐसे ऐसे आप लोग ये नहीं समझना हम तुम्हारे ऊपर आक्षेप कर रहे हैं, बोला आक्षेप नहीं कर रहे हैं, मनोवृत्ति का विश्लेषण कर रहे हैं, बोला आक्षेप नहीं कर रहे हैं, मनोवृत्ति का विश्लेषण कर रहे हैं। तुम्हारी क्रिकेट मैच में ज्यादा दिलचस्पी है कि सत्संग में ज्यादा दिलचस्पी है, उसको ज्यादा तकलीफ सह के पैसा दे के देख सकते हो। तो ये मतलब ये है कि गंधर्व लोक में है ना, गंधर्व लोक में वैसे ही क्लब का मजा, क्रिकेट मैच का मजा, पार्क का मजा, हवाई जहाज का मजा, पीने का मजा गंधर्व लोक में आता रहता है, वहां तत्वज्ञान नहीं होता। ये मत समझना कि धनी लोगों की रुचि अगर तत्वज्ञान में नहीं है तो तत्वज्ञान कोई छोटी चीज है ना। गरीबों की रुचि होने से या दुखियों की रुचि होने से तत्वज्ञान छोटी चीज नहीं हो जाती है ना, उन लोगों का तो विभाग ही दूसरा है भाई, है ना। हाँ, ये तो जो सत्य को चाहते हैं, वो जब व्यापार में सत्य नहीं चाहते है ना, जब वो पत्नी और माता और पिता से सत्य नहीं चाहते कि इनके साथ हम सत्य का व्यवहार करें है ना, जब वो व्यापार में सत्य नहीं चाहते, जब वो संसार में सत्य नहीं चाहते, तब वो जगत के मूलभूत सत्य को पाना चाहें, उनसे ये आशा रखना गलत है। जब वो कहीं सच्चाई को चाहते ही नहीं, वो तो दूसरों में सच्चाई रहे और उससे हम फायदा उठावें, लेकिन हम में सच्चाई रहे और उससे दूसरे फायदा उठावें, ये तो चाहते ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में गंधर्व लोक में जाने के बाद है ना, यथा अप्सु चंचलत्वात् अपाम,
जल जो है वो बड़े चंचल होते हैं, उसमें जैसे अपनी परछाई बहुत कम दिखती है, वैसे गंधर्व लोक में मनोवृत्ति चंचल होती है, वहां आत्मदर्शन नहीं होता है। एक लोक ऐसा है जहां आत्मदर्शन होता है, छाया तपयोरी व ब्रह्मलोक है, वहां जैसे परछाई और प्रकाश अलग अलग मालूम पड़ता है, वैसे आत्मा और अनात्मा, परछाई वस्तु नहीं होती है, परछाई में देश तो मालूम पड़ता है कितनी लंबी है, ये तो परछाई में मालूम पड़ेगा ना। अच्छा, और काल के अनुसार वो घटती बढ़ती भी दिखाई पड़ती है, लेकिन परछाई में वजन नहीं होता, परछाई वस्तु नहीं है। तो ये जो प्रपंच है ये ब्रह्मलोक में ऐसा मालूम पड़ता है कि कितना लंबा है कितना चौड़ा है, और ये थोड़ा बढ़ता घटता भी रहता है काल के अनुसार, वहां भी सुख में थोड़ा तारतम्य हो जाता है, वो भी प्रलय के समय शांत हो जाता है, परंतु आतप है, प्रकाश है अपना स्वरूप और छाया है ब्रह्मलोक, वहां आत्मा और अनात्मा का विवेक हो सकता है। तो दो जगह हो सकता है, या तो ब्रह्मलोक में जाओ तब होगा, और या तो यहां अपनी बुद्धि में अपने आप को देखो तब होगा। न तो ये पानी में दिखेगा, न सपना में दिखेगा, न पितरलोक में दिखेगा, न गंधर्व लोक में दिखेगा, लेकिन ब्रह्मलोक में जाना तो बड़ा कठिन है। जो आत्मज्ञान को ब्रह्मलोक तक जाने के लिए छोड़ रखे, एक आदमी कहता था देखो महाराज हम बंबई में वेदांत क्या सुने, है अभी जिंदा है बोला बंबई में हम वेदांत नहीं सुनेंगे। तब कहां सुनोगे भाई, बोले महाराज एक दिन हम सब बंबई संबई छोड़ के और बद्रीनाथ जाएंगे हिमालय में, और फिर वहीं रहेंगे, और आप भी वहीं चलना महाराज, फिर वेदांत हम आप सुनाना और हम सुनेंगे, आप सुनाना और हम सुनेंगे। अब जिंदगी बीत गई, बुढ़े हो गए, आंख कमजोर हो गई, बोला अब वो बद्रीनाथ न जाएंगे न वेदांत सुनेंगे, है ना, और यहाँ सुन लेते तो सुन लेते, है ना, यहाँ सुन लेते तो सुन लेते। तो जो लोग कहते हैं कि नहीं हम तो हिमालय से नीचे वेदांत नहीं सुनेंगे, वो लोग अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लाभ खोते हैं। तो इसी प्रकार हम ब्रह्मलोक में जाके ज्ञानी हो जाएंगे, ये कल्पना करना मूर्खता है। बोला ज्ञान तो अभी अभी प्राप्त करना चाहिए। अब प्रश्न ये आया कि किस ढंग से विचार करें, चिंतन करें, वो चिंतन की कौन सी शैली, कौन सी प्रणाली है जिससे विचार करने पर ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। तो अगले मंत्र में इंद्रियाणाम पृथक भावम उदयास्तमय उच्चजात ये बात बताते हैं कि ऐसे सोचो।